ये देखिए दोस्तों, ये शार्पी लाइट है जो डीजे वाली गाड़ियों पे डिस्को पब वगैरह में लगती है। ये लाइट ख़राब हो गई है, अभी ऑन करो। अभी ये ख़राब हो गई है तो इसकी जो लाइट है वो बंद आ रही है। लाइट ये पूरी चालू है शार्पी, पर इसकी जो लाइट है, जो इसमें बल्ब लगता है, वो ख़राब हो गया है। तो खोल के देखते हैं इसको, चेक करके कि इसमें क्या ख़राब है क्या नहीं है। मैं पूरा बताऊंगा आपको कि कैसे क्या करना है इसमें। ये देखिए, अब ये पूरी बंद है, अभी कुछ भी नहीं बोल रही, सिर्फ मूव कर रही है, चल नहीं रही है। अभी मैं इसको खोलता हूँ, फिर बताता हूँ आपको कि बल्ब कैसे चेंज करना है इसका। ये देखिए, इसके अपन स्क्रू खोल रहे हैं अभी। ये देखिए, ऐसे इसका कवर निकल जाता है। इसकी थोड़ी एक कवर ये निकल गया, एक कवर ये निकल गया इसका। अब ये जो फैन है, फैन खुलेगा, दोनों साइड फैन होते हैं इसमें, ये खुलेगा। ये खुलने के बाद इधर आओ, ये कनेक्शन निकलेगा इसका। ये खोल चुका हूँ, अब इसको थोड़ा वजन आ रहा है तो उसको कम कर देते हैं। ये फैन अपन इधर कर देते हैं, ये बल्ब के कनेक्शन निकाल लिए। ये बल्ब को भी अपन को खोलना पड़ेगा। देखो इधर से देखो, तभी जाके इसका बल्ब निकलेगा, क्योंकि ये लॉक रहता है। ये देखिए, इसकी पत्ती निकल गई, ये बल्ब निकल गया। इसमें बल्ब लगता है, ये 7R होती है, इसमें 230 वोल्ट का बल्ब लगता है 7R का। ये देखिए, क्लियर हो गया, 230 वोल्ट का। अब अपन इसको चेंज करेंगे। ये देखिए, मैंने एक बल्ब ला के रखा हुआ है, ये देखिए, इसमें जो अपन बल्ब लगा रहे हैं, फिलिप्स का बल्ब लगा रहे हैं, फिलिप्स का। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे लगेगा बल्ब। ये बल्ब ऐसे रखा, ये पत्ती ऐसे रखी, और स्क्रू करना है। ये चारों स्क्रू लग जाएंगे इसमें, क्योंकि इसको लॉक करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब
अपन एक दो स्क्रू पे भी छोड़ सकते हैं। ये देखिए अपन ने इसमें बल्ब फिट कर दिया। अब बल्ब फिट करने के बाद मेन चीज़ है कनेक्शन। ये जो प्लस है ये प्लस जाएगा इस वाले में, और जो इसका नेगेटिव है वो जाएगा इसमें। इसके कनेक्शन होते हैं सीरीज में, ठीक है। अब ये जो फैन है ये फैन लगेगा ऐसे, इसमें चार स्क्रू लगते हैं। ये फैन लगा दिया अब अपन ने, अब ये फैन लगाने के बाद इसके पीछे एक हीट सिंक आता है यहाँ पे, जो इसकी गर्मी को ऑब्जर्व करता है। यहाँ पे जो हीट सिंक आता है वो रहता है पूरा एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम की प्लेटें रहती हैं जो इसकी हीट को ऑब्जर्व करती हैं। तो इसको ज़रूर लगाएं जब भी आप रिपेयर करें लाइट या बल्ब चेंज करें, तो इसको ज़रूर लगाएं। क्योंकि बल्ब की जो पूरी हीट रहेगी वो इसी पे रहेगी पूरी। क्योंकि बल्ब की जो हीट रहेगी वो पूरी इसी पे आती है, क्योंकि बल्ब जो होता है बहुत गर्म होता है। ये 230 वोल्ट का बल्ब होता है इसका हैलोजन। ये फिक्स कर दिया है, अब इसके कनेक्शन करते हैं अपन। इसके कनेक्शन करने पे ये देखिए जो माइनस नेगेटिव है वो इसके नीचे वाले में जाएगा, ये होता है फ्यूज़। ये इसमें पिन कर दिया। ये जो पॉजिटिव है ये इसके ऊपर वाले में जाएगा, ये इसकी कनेक्टिविटी को कट कर देता है। अगर जैसे कभी भी कुछ भी कुछ फॉल्ट होता है तो ये कट कर देता है इसको। अब ये पूरा रेडी ओके होने के बाद अब इसको टेस्ट कर लेते हैं अपन। लाइट हो चुकी है चालू, लाइट हो गई है चालू। अब देखते हैं कि अपन ने जो बल्ब चेंज किया है वो ये रीड करता है या नहीं करता है। अगर ये बल्ब रीड कर लेगा, अगर मदरबोर्ड में प्रॉब्लम नहीं होगी, ये देखिए इसने रीड कर लिया है बल्ब को, मतलब इसका जो मदरबोर्ड है वो ओके, जो इसके डाटा को ट्रांसफ़र करता है। कभी कभी क्या होता है कि बल्ब भी ख़राब नहीं होता है और जो इसका मदरबोर्ड रहता है जो डाटा ट्रांसफ़र करता है वो ख़राब हो जाता है, तो उसकी वजह से एरर बताता है। ये देखिए इसका बल्ब चालू है, ये देखिए अपनी शार्पी जो है रन करने लगी है, लाइट देने लगी है। ये देखिए आप देख सकते हैं प्रूफ, ये देखिए पूरे कलर्स दे रही है। ये देखिए ये 7R शार्पी है, लेज़र बीम लाइट। ये देखिए लाइट कलर। अब इसको पैक करेंगे अपन, जैसे अपन ने इसको पूरा स्क्रू से खोला था वैसे इसको पैक कर देंगे अपन। ये देखिए पूरे कलर्स इसमें परफेक्टली आ रहे हैं।
तो गाइस सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं ऐसी ऐसी चीज़ें बनाता रहूँगा आपके लिए, रिपेयर करता रहूँगा, बस आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहे मुझे। इसीलिए मैं अभी YouTube पे नया नया आया हूँ। ये देखिए आप, पूरा बराबर रन कर रहा है शार्पी अपना। ऐसे ही मैं धीरे धीरे आपको बताता रहूँगा कि, और सीखूँगा भी आपसे, अभी फ़िलहाल मैं सीख ही रहा हूँ। ये देखिए लाइट, अब इसको अपन पैक कर देते हैं। अपनी ये डन हो चुकी है लाइट, अपन इसको पैक कर देते हैं, जैसी ये थी वैसी ही पैक कर देते हैं। ये देखिए गाइस, एक बार फिर मैंने इसका पूरा कैबिनेट जो है पूरा लगा दिया है, इसका कवर, लाइट पूरी रेडी कर दी है। कभी भी ध्यान रखें कि इसके स्क्रू पूरे ही कसें, क्योंकि ये मूविंग हेड है तो मूव करती है। अगर इसका एक आध स्क्रू भी ढीला होगा तो ये टूट जाएगी। और इसके जो लॉक होते हैं वो ज़रूर खोलें हमेशा चालू करने से पहले, और जब आप इसको बंद करें तो इसको लॉक कर दें। अब मैं इसको चालू करके बताता हूँ फिर से एक बार, चालू करूँ। ये देखिए अभी ये लोड हो रहा है, अभी ये लोड हो रहा है, इसमें कुछ टाइम लगेगा। ये जो इसका बल्ब था, ये इसका बल्ब था, इनमें चाइनीज़ बल्ब आते हैं, ये चेंज किया अभी अपन ने इसको। ये देखिए 230 वोल्ट 7R मेड इन चाइना। ये देखिए ये वाला बल्ब चेंज करके अपन ने इसमें फ़िलिप्स का बल्ब लगाया है। अब ये लोड हो जाए ज़रा, मैं इसको चला के बताऊंगा, रन करके बताऊंगा कि अपन ने जो बनाई है चल रही है या नहीं चल रही है सही से। बस लोड होने ही वाला है, कुछ थोड़ा सा टाइम लगता है, समथिंग 1 मिनट के समथिंग लगता है इसको ऑन पूरा लोड होने में। ये देखिए चालू हो गई अपनी लाइट। ये देखिए अपनी शार्पी रेडी है, डन है। ये देखिए अच्छे से वर्क कर रही है। अपन इसे कैसे भी सेट करके चला सकते हैं हम। ये देखिए इसकी सेटिंग दिखाता हूँ मैं आपको। ये इसके मेन्यू पे इस पर चले गए अपन, सेटअप है, सेटअप के नीचे रन मोड है, ओके किया, ये रन मोड पे क्लिक किया, अब ये ऑटो पे चल रहा है। इसको साउंड पे भी सेट कर सकते हैं, तो ये जैसे अपन साउंड होगा, जैसे नॉइज़ होगा वैसे ये वर्क करेगा। ये देखिए चुटकी बजाएंगे तो चुटकी पे वर्क करेगा। ये देखिए शार्पी का बल्ब चेंज किया है इसमें, बहुत आसान है, बस ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, नॉर्मल सा प्रॉब्लम होगा तो फटाक से हो जाता है। ओके, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार। फिर मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा आपके लिए, आप मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।